वेलकम बैक टू मामी का मैजिक। वेल, आज की आखिरी रेसिपी होने वाली है लिटरली लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। हम आज की जो न्यूट्रिशन एंड इंडल्जेंस की जर्नी है उसे एंड करेंगे विद अ परफेक्टली यमी एंड अ हैप्पी डिजर्ट। वी आर गोना मेक एन अमेजिंग क्रीमी एंड रियली टेस्टी 3-स्टेप चीज केक। तो मैंने डाला है इन डाइजेस्टिव बिस्किट्स को इन दिस लवली न्यूट्री ब्लेंड। वंडर शेफ का ये ब्लेंडर है एंड इट्स रियली नाइस। ये हमारे डाइजेस्टिव बिस्किट्स अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे सम मेल्टेड बटर एंड इसमें डाल देंगे। ये अब देखिए कैसे नाइस एंड क्रम्बली हो गया है एंड बटर की खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। मैंने एक जार लिया है, ऐसा जार आपके घर में काफी सारे तो होंगे। बस जस्ट टेक एनी जार, आप इसे अच्छे से फ्लैट कर दीजिए इस जार में, जस्ट इवन इट आउट, परफेक्ट। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी जब तक हम बाकी का काम करते हैं। लेट इट गेट नाइस एंड कोल्ड। ऑलराइट, नाउ हम लेंगे एक और बड़ा बोल और उसमें हम डालेंगे सम क्रीम चीज, सम हंग योगर्ट। मैंने हंग योगर्ट और क्रीम चीज दोनों इस्तेमाल किया है। अगर आपको क्रीम चीज नहीं मिलता है देन यू कैन जस्ट यूज हंग योगर्ट, नो प्रॉब्लम। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा कंडेंस मिल्क एंड फाइनली इसमें हम डालेंगे सम ब्लूबेरी कंपोट। ये आपको बाजार से मिल जाएगा, एक विस्क के हेल्प से इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। अब फाइनली इसमें हम थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम फोल्ड करेंगे। बेसिकली व्हिपिंग क्रीम आपको मिलता है, उसे आप लीजिए और अच्छी तरह से विस्क कीजिए एंड यू कैन यूज दैट। अगर व्हिपिंग क्रीम ना मिले देन यू कैन यूज डबल क्रीम, उसमें चीनी डालिए एंड इट विल सर्व द सेम पर्पस। अब इसे हम जेंटली फोल्ड करेंगे, देन वी आर गोइंग टू यूज अ पाइपिंग बैग। अब इसमें हम ओके, अब इस पाइपिंग बैग को आप इधर से स्निप कर लीजिए, जस्ट स्टार्ट पुटिंग इनसाइड। ऑलराइट, सो दिस इज द सेकंड स्टेप एंड फाइनली द थर्ड स्टेप। बस सेम आप कंपोट को लीजिए एंड उसके ऊपर जेंटली लगा दीजिए जस्ट द टॉप लेयर, जस्ट इवन इट आउट अ बिट। And now I've made a cute little tag which says sweet, creamy, delicious. Bas ise is tarah se aap laga dijiye. Put it in the fridge to make it nice and cool. And jaise hi aapki family ghar aaye, ta-da! Present them this 3-step cheesecake and unke faces pe jo smile aayegi, uski photo khichna mat bhuliyega. Chaliye, dekhiye is recipe ka ek quick recap. 3-स्टेप चीज केक बनाने के लिए एक ग्राइंडर में बिस्किट महीन पीसकर एक बाउल में डालें, उसमें डालें मक्खन, अच्छे से मिलाएं और एक ग्लास जार में डालकर सतह को सामान कर दें। फिर इसका प्रयोग होने तक फ्रिज में रख दें। अब एक दूसरे बाउल में क्रीम चीज और दही का चक्का डालकर अच्छे से मिलाएं। इसमें डालें कंडेंस मिल्क और एक बड़ा चम्मच ब्लूबेरी कंपोट और अच्छे से मिलाएं। फिर इसमें व्हिप्ड क्रीम अच्छे से मिला दें। अब एक पाइपिंग बैग में बनाए हुए क्रीम चीज का मिश्रण भर दें और जार में बिस्किट लेयर के ऊपर पाइप कर दें। जार को हल्के से थपथपा दें, ऊपर से बचा हुआ ब्लूबेरी कंपोट फैला दें और 30 मिनट तक फ्रिज में रखें, ठंडा ठंडा परोसें। मैं जेन्युइनली बिलीव करती हूँ कि खुशी बांटने से और भी बढ़ती है और इसके लिए ना आपको सोशल एक्टिविस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं। आप घर पे ही अच्छा अच्छा खाना बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए, बाहर से लोगों को बुलाइए और फिर देखिए उनके चेहरों पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाएगी एंड यू आर गोइंग टू बी द रीजन बिहाइंड इट। तो चलिए, ऑन दैट नोबल नोट आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं अगले हफ्ते फिर वापस आऊंगी विद येट अनदर अरे ऑफ लवली रेसिपीज, एक्साइटिंग रेसिपीज एंड मैजिकल रेसिपीज। Till then, this is Amrita Raichand saying goodbye. अगर आपको भी वंडर शेफ के ये प्रोडक्ट्स पसंद आए तो लॉग ऑन टू www.wonderchef.in टू ऑर्डर योर वेरी ओन वंडर शेफ प्रोडक्ट्स।